इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जाहिर सी बात है, इसका स्वाद इतना चटपटा और खट्टा है कि कोई भी इसे खाने के लिए बेचैन हो सकता है। खासकर महिलाओं को इमली खूब पसंद आती है। वैसे तो इसका इस्तेमाल सूप सांभर में स्वाद के लिए किया जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल हानिकारक प्रभाव छोड़ सकता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। रोजाना 10 ग्राम इमली का सेवन सुरक्षित है, लेकिन स्वाद के चलते जो इसका सेवन ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट शरीर पर दिखने लगता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन में भी इमली के सेवन से परहेज करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को इमली नहीं खानी चाहिए और इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे लोग जिनको दांतों की समस्या है, उन्हें इमली का सेवन नहीं करना चाहिए। इमली के सेवन से दांतों की बनावट खराब हो सकती है। इसके अलावा दांत के एनमेल को नुकसान पहुंच सकता है। जी हाँ, दांतों के एनमेल में एसिड कंपोनेंट के कारण जंग लगने की संभावना हो सकती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इमली बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी इमली के सबसे आम नुकसान में से एक है। इसे खाने के बाद दांत खुजली, सूजन, उल्टी, सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। इमली खट्टी यानी कि एक एसिडिक फल है। इमली में टैनिन और अदर कंपाउंड्स होते हैं जो डाइजेशन को मुश्किल बना सकते हैं। जब इसे खाते हैं तो पेट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, पेट फूलने लगता है, एसिड रिफ्लेक्स जैसी डाइजेशन रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा इससे दूरी बनाए रखें। कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे अगर आप कोई दर्द निवारक दवा ले रहे हैं या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई ले रहे हैं, तो इमली का सेवन बिल्कुल ना करें, नहीं तो इन दवाओं के असर कोई इमली प्रभावित कर सकती है। इमली का ज्यादा सेवन ब्लड शुगर लेवल कम कर सकता है। शुगर के पेशेंट अगर पहले से डायबिटीज की कोई दवा का सेवन कर रहे हैं तो इमली का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं को भी इमली खाने की मनाही होती है, क्योंकि इमली का नाम गर्म फूड में शुमार होता है जो शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है, जिससे फिटस को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हेल्थ लाइफ के साथ।